अजमेर के दरगाह थाना क्षेत्र में गैंगरेप का एक आरोपी कोरोना संक्रमित मिला है। बताया जा रहा है कि गैंगरेप के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से एक आरोपी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। आरोपी के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद पुलिस सतर्क हो गई है, तो वहीं मेडिकल टीम ने आरोपी के संपर्क में आए 5 पुलिसकर्मियों की जांच की। इसी के साथ कॉन्टैक्ट हिस्ट्री के आधार पर अन्य लोगों की भी जांच की जा रही है। आपको बता दें कि मंगलवार को गैंगरेप का यह मामला दर्ज हुआ, जिसमें बुधवार को पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके बाद आरोपियों को 2 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा गया। इसी के साथ उनकी कोरोना जांच के सैंपल्स भी लिए गए। इसमें गुरुवार को एक आरोपी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। सीएमएचओ कंट्रोल रूम से प्राप्त सूचना के अनुसार ये अंदरकोट निवासी हबीबुल, जो बिहार का रहने वाला है, अभी हाल अंदरकोट में रहता है। ये एक रेप केस में आरोपी है और इसको पुलिस ने अरेस्ट करा था, पुलिस कस्टडी में था। कल इसकी जांच की गई थी, सैंपल लिया गया था इसकी जांच के लिए, तो इसकी आज रिपोर्ट प्राप्त हुई है जो पॉजिटिव आया है। ये कोरोना पॉजिटिव आया है और ये पुलिस कस्टडी में, तो इसको 108 के जरिए हॉस्पिटल शिफ्ट कराने की प्रक्रिया जारी है।